हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज बायोलॉजी में आपके लिए नया चैप्टर लेकर आपके साथ हूं। तो देखेंगे आज के चैप्टर का टॉपिक है हमारा आनुवांशिकता, जैव विकास, अनुकूलन एवं स्थानवास। इसमें हम तीन चार जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आनुवांशिकता, फिर जैव विकास, जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। उसके बाद है अनुकूलन, जीव जो होते हैं वो अपने आप को मौसम के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से कैसे ढालते हैं वो अनुकूलन देखेंगे। और उसके बाद है स्थानवास, वो किस स्थान पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आनुवांशिकी क्या है और आनुवांशिकी और विभिन्नता के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आनुवांशिकी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी के अंदर उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो जनक हैं, उनके गुण पहुँचते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी जो होता है वो अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ गुण लेकर पैदा होता है। ठीक, उन्हीं की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। ठीक, फिर भी आनुवांशिकी होते हुए भी विभिन्नताएं होती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जो जीव है वो अपने जनक के एकदम समान नहीं होता है। भले ही दो जुड़वां बच्चे हों, वो भी आपस में एक दूसरे के समान नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक जो जीव हैं इस धरती पर, कोई भी दो जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं जो अगर हम लैंगिक प्रजनन से देखेंगे तो लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं अधिक होती हैं, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स मिलकर एक नवजात शिशु को जन्म देते हैं। इसकी वजह से उसमें दोनों के गुण आते हैं, जबकि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएँ कम आती हैं। ठीक है, तो विभिन्नताएँ कौन कौन सी हो सकती हैं, या फिर तो उनके बालों का रंग अलग हो सकता है, बालों की बनावट अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार के प्रजनन में विभिन्नताएं अधिक होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें विभिन्नताएं अधिक होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये विभिन्नताएँ लाभदायक हैं या हानिकारक हैं। क्या कोई जो जीव है वो अपने जनक से अगर विभिन्न है तो क्या उसके लिए ये विभिन्नताएं लाभदायक हैं या हानिकारक। तो इसका आंसर होना चाहिए कि वेरिएशंस जो होते हैं, विभिन्नताएं जो होती हैं, वो जीवन जीने में सहायक भी होती हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, एक कीड़ों की प्रजाति है, वो लाल रंग के कीड़े हैं, खटमल को मान लेते हैं, लाल रंग का खटमल है। ठीक है, जैसे ही वो घास में जाता है और डाल पर बैठा हुआ कौआ उसे आसानी से देख सकता है और उसको घारी घास में से आसानी से चुन के खा लेता है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी प्रजाति आई जीवों की जिसमें वही खटमल हरे रंग का हो गया। कुछ वेरिएशंस ऐसे आए खटमल की प्रजाति में कि कुछ खटमल हरे रंग के हो गए। अब क्या हुआ, अब कौवा जो डाल पे बैठा था उसको उन्हें देखने में बड़ी तकलीफ हुई, उसने उन्हें नहीं देख पाया, नहीं ढूंढ पाया। तो इससे मतलब हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशंस होते हैं वो जीवन जीने में, या विभिन्नताएं जो होती हैं जीवन जीने में, लाभदायक भी हो सकती हैं। ठीक है, हम आनुवांशिकता के बारे में समझते हैं। तो आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आनुवांशिकी और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेंडल के वंश गति के नियम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेंडल एक वैज्ञानिक थे जो कि 1822 से 1884 तक रहे, इन्होंने कुछ आनुवांशिकता के सिद्धांतों पर कार्य किया जिसकी वजह से आधुनिक आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन करने के लिए 8 वर्षों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर को हम पाइजम सेटाइवम भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम, पर प्रयोग किया और इनका कार्य 1865 में प्रकाशित हुआ। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। जो मटर का पौधा था, पहला तो वो आसानी से उपलब्ध था और उसको घर में उगाया जा सकता था। दूसरी चीज़, जो मटर के पौधा होता है उसमें बहुत सारे विकल्प होते हैं। किस प्रकार के विकल्प, उसका बीज या तो गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। ठीक है, मटर के पौधे कुछ छोटे भी, लंबे भी हो सकते हैं, कुछ बौने भी हो सकते हैं। ठीक है, मटर की जो फलियां होती हैं वो पीली भी हो सकती हैं और हरी भी हो सकती हैं। मटर के जो फूल होते हैं वो बैंगनी भी हो सकते हैं और सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट या प्रयोग के लिए चुना।
एक संक्रिय क्रॉस, या इसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस वर्ड का मतलब समझेंगे। इस वर्ड का मतलब ये है, जब हम किसी एक पौधे के एक ही गुणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि जो मेंडल थे, उन्होंने क्या किया कि दो पौधे लिए, मटर के दो पौधे लिए, और एक पौधा क्या था उसमें लंबा था, ठीक है, और एक पौधा बौना था। और जो ये टी, कैपिटल टी मैंने बनाया है, ये ट्रेट्स हैं उसके लिए, उसके अंदर जो एलील्स हैं वो दोनों, टी टी का मतलब है यहाँ से टॉल, लंबा के लिए टॉल, और स्मॉल टी का मतलब है यहाँ पर स्मॉल के लिए, छोटे के लिए, ड्वार्फ के लिए, बौना कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इन्होंने कोई दूसरा लक्षण नहीं लिया, दोनों का एक ही लक्षण है लंबाई। अगर ये उसका दूसरा लक्षण या उसके रंग के ऊपर चले जाते, बीज कैसा होगा, झुर्रीदार होगा, गोल होगा, मतलब एक से ज़्यादा लक्षण ले लेते तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं कहलाता, तो वो दो संक्रिय क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता। इन्होंने क्या किया, एक पौधा लिया लंबा और एक छोटा पौधा लिया बौना, उन दोनों के एलील्स को जब आपस में इन्होंने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, जब दोनों का इन्होंने क्रॉस कराया तो कुछ इस प्रकार से जो इनको F1 जनरेशन पहली पीढ़ी जो मिली उसमें कुछ इस प्रकार से एलील आए, कैपिटल टी स्मॉल टी इनका क्रॉस कराते गए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली पीढ़ी में इन्होंने जितने भी पौधे बने इनके, वो सारे के सारे लंबे निकले, एक भी पौधा छोटा नहीं था। दो तरीके के होते हैं ट्रेट्स, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है उसकी जीन्स में कौन कौन से एलील्स हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कैपिटल और स्मॉल दोनों हैं, तो कहने का मतलब इसके अंदर इसके भी जीन्स गए हैं और इसके भी आए हैं। लेकिन फीनोटाइप का मतलब होता है कि कोई चीज़ बाहर से कैसी दिख रही है। तो जितने भी ये पौधे थे ये सारे के सारे लंबे दिख रहे थे। क्यों लंबे दिख रहे थे, क्योंकि जो एक नियम था प्रभाव का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने ही दिया था, इसका मतलब ये होता है कि जो अलील, हम कह सकते हैं जो गुण ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं वो कम प्रभावशाली गुणों को दबा देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो कैपिटल वाला आपका है टी, वो स्मॉल टी के ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी पौधे बने वो सारे के सारे देखने में लंबे थे। ये इनका था एक संक्रिय क्रॉस। तो आपसे पूछ सकता है कि जो एक संक्रिय क्रॉस था या F1 जनरेशन थी उसका अनुपात क्या था, तो उसमें क्या था कि सारे के सारे पौधे F1 जनरेशन में लंबे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जो इनकी F1 जनरेशन थी इन्हीं पौधों का स्वपरागण करा दिया, आपस में फिर से क्रॉस कराया, तो कुछ इस प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने क्या किया, जब इनका आपस में क्रॉस कराया तो कुछ इस प्रकार से क्रॉस हुआ, ठीक है, इसका इसके भी साथ, इसका इसके भी साथ, तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। कहने का मतलब ये हुआ, जब इन्होंने F2 जनरेशन प्राप्त की, इनको जब F2 जनरेशन मिली, ठीक, तो क्या निकला इसमें, ये टी, इसका मतलब है लंबा पौधा टॉल, दोनों कैपिटल टी है तो लंबा पौधा, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी लंबा पौधा मिला इन्हें, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी जो पौधा था वो लंबा ही रहा, फिर एक पौधा इन्हें ऐसा मिला इसमें दोनों एलील्स जो थे वो छोटे पौधे के थे, बौने पौधे, तो ये कहने का मतलब ये पौधा बौना रह गया। तो इसमें क्या था कि जो यहाँ प्रभाव था पहले वो यहाँ पर निकल के बाहर आ गया, कि जो छोटे पौधे थे वो जीन्स में थे उसके गुण, वो सारे के सारे F2 जनरेशन में बाहर आ गए। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाता है कि मेंडल के F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिला उन्हें बड़े और छोटे पौधों का, तो आप बोलेंगे 3:1, ठीक है, 3:1 मिला, मतलब 75% पौधे लंबे थे और 25% पौधे छोटे थे, ये था इनका F2 जनरेशन का रेशियो, ठीक है। चलिए देखते हैं वंश गति के नियम के बारे में। वंश गति के 3 नियम दिए गए हैं। पहला नियम है प्रभाविकता का नियम, मतलब किसका प्रभाव रहता है, किसी भी जो संतति होती है, कोई संतान उत्पन्न होती है उसमें किसका प्रभाव दिखता है, उसके आधार पर पहला बनाया गया है प्रभाविकता का नियम। तो इसके कुछ बिंदु हैं, उन्हें देखते चलेंगे। यह नियम एक संक्रिय क्रॉस पर आधारित है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, ठीक है, एक संक्रिय क्रॉस पर आधारित है। दूसरा,
इस नियम के अनुसार संततियों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर तथा दूसरा मादा से आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने एफ वन जनरेशन दिखाई थी आपको, इस प्रकार से बन रहा था उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो संतति हुई थी, जो संतान हुई थी, उसमें जो उपस्थित कारक थे, ये जो उपस्थित कारक हैं, कारक के जोड़े जो हैं उनमें से एक कारक नर तथा दूसरा मादा से। मान लीजिए ये नर से आया है और ये वाला मादा से, जो कारक उसमें उपस्थित होते हैं वो एक नर से आता है और दूसरा मादा से आता है, ठीक है। जिस कारक के गुण दूसरे कारक के गुण को दबा देते हैं वह प्रभावी गुण कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस कारक के गुण, मान लीजिए भाई हमने बोला था आपसे कि एफ वन जनरेशन में सारे पौधे लंबे निकले थे, तो कहने का मतलब क्या था, जो गुण, जो कारक, जो कैपिटल टी था उसने स्मॉल टी के सारे गुणों को दबा दिया था। कहने का मतलब बौनेपन को दबा दिया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके गुण दूसरे गुणों को जो दबा देता है वो प्रभावी कारक कहलाता है। देखिए लिखा है यहाँ पर, जिस कारक के गुण दूसरे कारक के गुण को दबा देता है वह प्रभावी गुण कहलाता है। तो इसमें प्रभावी गुण कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि इसके ही गुण हमें दिख रहे थे और प्रथम पीढ़ी में केवल यही गुण दिखाई देता है। बाहर से देखने पर यही गुण दिखाई देता है जबकि अंदर ये भी गुण होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जो प्रभावी होता है उसके गुण दिखाई पड़ते हैं। अब लिखा है जो गुण दब जाता है वह अप्रभावी गुण कहलाता है। तो इसमें कौन सा गुण अप्रभावी कहलाएगा, स्मॉल टी वाला, क्योंकि सारे गुण इसमें दब गए हैं, बाहर से नहीं दिख रहे हैं। यह दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। हमने देखा था आप जब एफ वन जनरेशन का आपस में हमने जब पॉलिनेशन कराया था तो एफ टू जनरेशन में मिला था हमें जो एक पौधा, वो टी टी दोनों आए थे उसमें। तो कहने का मतलब ये पौधा कैसा था, छोटा पौधा था। तो यही कह रहा है कि जो गुण दब जाता है पहली पीढ़ी में वो अप्रभावी गुण कहलाता है और यह दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरी पीढ़ी के जब पौधे आते हैं तो उनमें ये प्रकट होने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रभाविकता का नियम।